और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देखिए कोल्हान की खबरों के साथ आगे बढ़ने से पहले ये बड़ी खबर देख लेते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है। शराब घोटाला का ये मामला है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। करीब दो घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है और इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। हालांकि देखिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया था। केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, मंत्री हैं दिल्ली की आतिशी, उनका ये बयान सामने आया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है आप, तो देखिए अब आपका ये शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर हमें देखने को मिलेगा। शराब घोटाला का ये मामला है, लगातार 9 समन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजा गया और ऐसे में जब वे लगातार पेश नहीं हो रहे थे तो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उनकी याचिका पर जो है इनकार कर दिया गया था, जहां उन्होंने कहा था क्योंकि गिरफ्तारी ना हो तो उस पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इस पर सुनवाई हुई थी, इनकार किया गया था। और इसके बाद ईडी की टीम वहां पर पहुंचती है, तकरीबन दो घंटे तक उनसे ये पूछताछ चलती है और इसके बाद उनकी ये गिरफ्तारी की खबर। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता इमरान, माफ कीजिएगा, अमर फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमर देखिए दो घंटे तक ये पूछताछ चली, लेकिन इसके पीछे अगर हम थोड़ा जाएं तो लगातार 9 समन और उसके बाद आज ये गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए ये बात तो पहले ही तय हो चुकी थी कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी नोटिस दिया जा रहा था, उसके बाद 7 से 8 9 नोटिस उनको सर्व करवाया गया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो है वो ईडी के दफ्तर पहुंच नहीं रहे थे पूछताछ के लिए, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कोर्ट का भी सहारा लिया और कोर्ट ने जब आज उनको खारिज कर दिया तब ईडी दोबारा वहां पे पहुंची और उसके बाद उनके पूछताछ के बाद जो जवाब दिए गए उनके वो ईडी संतुष्ट नहीं था, उसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया, यानी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कार्यकर्ता बाहर यहाँ पे मौजूद हैं, वो इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार। उनके नेता जो है ये कह रहे हैं कि चुनाव की चुनाव है, अरविंद केजरीवाल को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि अगर आप चोरी किए हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ईडी और जो सीबीआई है जो लगातार उनपे आरोप लगते रहे विपक्ष की ओर से कि जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले शराब घोटाला में जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं और जेल में है, उनका लगातार बेल जो है रिजेक्ट हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इसमें थे क्योंकि मुख्यमंत्री वो थे और उनके खिलाफ जो है ईडी के पास सबूत है और इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। तो अमर देखिए मंत्री हैं आतिश, इनका बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, इसके क्या कुछ मायने हैं? देखिए बिल्कुल, इससे पहले भी जब उन पर नोटिस दिया जा रहा था उन्होंने कानूनी राय ली थी तो कई उदाहरण उन्होंने दिया था कि मुख्यमंत्री जेल में रह करके भी सरकार चला सकते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं, जरा थोड़ा टेक्निकल जो समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप इस्तीफे नहीं देते हैं जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें क्या होगा कि क्या पूरी कैबिनेट को कोई भी काम करवाने के लिए जेल जाना पड़ेगा या जेल में जाकर के उनके लिए एक नई कैबिनेट बनाई जाएगी या फिर एक नई सेक्रेटेरिएट का निर्माण किया जाएगा? ये तमाम चीजें हैं जो टेक्निकल अड़चने उनको आएगी। अब देखना ये होगा क्या वो अपने जिद पे अड़े रहते हैं या फिर वो इस्तीफा देते हैं। अब सवाल उठता है कि जब आपके ऊपर ईडी ने आरोप ये लगा करके गिरफ्तार किया कि आपने शराब घोटाले में घोटाला किया है और उस पर जो है जांच चल रही है तो आपको आकर के जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उसके बाद उन्होंने लगातार कानूनी राय देते रही और कानून में भी उनको कहीं ना कहीं उनको मोहलत नहीं मिला, जिस आधार पर जो है ईडी ने एक सबूत के तौर पर उसका इस्तेमाल किया और उन्हें गिरफ्तार किया। हम देखिए झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है बतौर मुख्यमंत्री, वो भी थे यहाँ पर, वहां उनकी गिरफ्तारी हुई, इसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अब दिल्ली की बारी, अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय अब भी बरकरार है कि क्या कुछ आगे उनका स्टेप होने वाला है, स्थिति क्या कुछ बनी हुई है दिल्ली की, क्योंकि कुछ ही देर में हम देख सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन भी होगा, वहां नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, लोग काफी आक्रोशित है, धारा 144 लगा दी गई है, स्थिति क्या कुछ बनी हुई है क्षेत्र की? ये बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार किया है किसी भी करप्शन और किसी भी घोटाले में। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जेल जा चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की बात है, तो कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो और या तमाम जो हेमंत सोरेन हो, कानून सबके लिए बराबर है और सरकार को अपना काम करना पड़ेगा, चाहे कानून के अनुसार ही आपको आपको चलना होगा और कानून के अनुसार ही आपको इस बात की जानकारी देनी पड़ेगी कि आखिर
आपने क्या करप्शन किया या नहीं किया इसकी जानकारी लगातार ये पूछताछ कर रही थी कि उन्हें इस चीज का सबूत चाहिए, जवाब चाहिए, लेकिन वो दे नहीं पा रहे थे, जिसका आधार बना करके आज उनको गिरफ्तार किया। अब देखना क्या होगा, कानून में सभी पहलुओं को टटोला जा रहा है, क्या वो मुख्यमंत्री पद पर रहते गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे, क्या वो कानून की व्यवस्था है, या फिर वो क्या एक नई प्रक्रिया लाएंगे। अब ये तमाम चीजें हैं जो कानूनी के सलाहकार से सलाह ली जा रही है कि आखिर करना क्या है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर सरकार और ईडी की तरफ से। बिल्कुल अमर, देखिए आप खबर पर नजर बनाए रखिए और अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। देखिए सवाल तो जरूर खड़े होंगे क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक और इससे ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और देखिए आपसे मंत्री हैं आतिशी, इनका बयान सामने आया, इन्होंने कहा है कि साजिश के तहत इनकी ये गिरफ्तारी हुई है और मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे अरविंद केजरीवाल। एक बयान है, आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। कानून अपना काम कर रहा और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये सरासर गलत है। अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो प्रोटेक्शन मांगने के लिए कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिला। 12 महीने से 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी केस के अंदर जेल के अंदर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी है। के अरविंद ने साफ साफ कहा कि 5% से 12% कमीशन आपने करा, सवालों के जवाब भी देने हैं, इसीलिए आपकी गिरफ्तारी हुई। बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2020-21 से लगातार शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे थे और जिस तरह की राजनीतिक नौटंकी वो कर रहे थे, आज उसका पटाक्षेप हो गया। झूठ और लूट की सरकार जिसका पाप का घड़ा भर चुका था, आज अंततः सत्य की जीत हुई। और मेरा ये मानना है कि पूरे युवा वर्ग को शराब के नशे में धकेलने की जो साजिश अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने रची थी, उसका परिणाम ये होना ही था, सत्य की जीत होनी थी और अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिलनी ही थी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।